नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564309609706085 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी, स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपीपीसीएस और आरओ के कुछ साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम यूपी लेखपाल का और उत्तराखंड पीएससी का, बीपीएससी के, ये सारे कोर्सेज लगातार चला रहे हैं। इन सभी को आप हमारी टेलीग्राम की जो लिंक्स हैं उनके थ्रू और हमारे जो फ्री वीडियोस के इनिशिएटिव्स हैं उनके थ्रू आप फॉलो कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई सही सुमेलित है। देखिए, प्रकाश वर्ष जो लाइट ईयर है वो किसकी है, वो आपकी टाइम की नहीं है, वो है डिस्टेंस की यूनिट। ठीक है, नॉट है जो वो नेविगेशन में उपयोग की जाने वाली दूरी है ना, तो ये भी गलत हो गया, ये दूरी की यूनिट ना होकर के ये क्या है, स्पीड ऑफ शिप बताता है, स्पीड है जो उसके लिए है। और कैलोरी है जो ये शक्ति मतलब पावर की यूनिट ना होकर के ये आपकी हीट या फिर आप एनर्जी की यूनिट कह सकते हैं इसको। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। अगला देखें, सोनार के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। देखिए, सोनार क्या है, सोनार की फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो बताना है कौन से कथन सत्य है। सोनार ज्यादातर नेविगेटर द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो नेविगेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। और यह जलमग्न पनडुब्बियों और हिमखंडों का पता लगाने में मदद करता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, तो दोनों ही सही है, आइसबर्ग्स और जो भी सबमर्ज्ड सबमरीन्स हैं उनके पता लगाने के लिए सोनार का यूज होता है, सी हो जाएगा आंसर। अगला देखिए, टैकोमीटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। देखिए, टैकोमीटर एक डिवाइस है जो कि इंडिकेट करता है एंगुलर स्पीड, किसकी एंगुलर स्पीड, रोटेटिंग शाफ्ट की। ठीक है, जो शाफ्ट है उसकी रोटेटिंग जो मतलब जो शाफ्ट रोटेट कर रही है उसकी जो एंगुलर स्पीड है उसको बताने का काम करेगा क्या टैकोमीटर। दूसरा देखिए, ये आपकी जो विंड की स्पीड होती है उसको बताने का काम करेगा, या फिर ये आपकी जो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर है उसको मेजर करने का काम करेगा, या जो प्रेशर है गैस का उसको मापने का काम करेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, ये वो डिवाइस है जो आपकी रोटेटिंग शाफ्ट की जो एंगुलर स्पीड है उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, बाकी ये देख लीजिए आप कि जो विंड की स्पीड को मेजर करता है, हवा की गति को मापने का काम करता है, उसका क्या नाम है, एनीमोमीटर बोलते हैं उसको, एनीमोमीटर। ठीक, और उसके अलावा अत्यधिक उच्च तापमान मतलब हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, वो क्या है, पायरोमीटर, पायरोमीटर। ठीक है, और इसका उपयोग क्या, गैस के दबाव, गैस के दबाव को मापने का काम कौन करता है, मैनोमीटर, मैनोमीटर। ठीक है, तो ये भी आपको याद होने चाहिए, आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, केंद्र पसारक बल मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात हो रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो उसका उपयोग एक जड़त्व बल को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जब तक जब एक वस्तु एक गोलाकार गति में चलती है। ठीक है, बेसिकली क्या है कि देखिए, एक मान लीजिए कि ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, यहाँ पर आप साइकिल से चल रहे हैं। ठीक, तो आपने महसूस किया होगा कि जब आप इस मोशन में, इस सर्कुलर मोशन में घूमते हैं तो साइकिल आपकी हल्की सी टिल्ट हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, तो इस सेंटर से उस साइकिल पर एक फोर्स लगता है जो कि इसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। और अब आपको पता है कि देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स का थर्ड लॉ बोलता है। ठीक, तो जो अपोजिट साइड में भी एक फोर्स लगता है इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए, जो यहाँ से लग रहा है इस पे साइकिल पे वही सेम अपोजिट भी लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो टिल्ट है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ये जो बाहर वाला फोर्स है इसको हम सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं और जो अंदर वाला है उसको हम सेंट्रीपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो ये वॉशिंग मशीन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी सेंट्रीफ्यूगल पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सर्वप्रथम किसने यह प्रचार किया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण करती हैं, मतलब
कि हु फर्स्ट प्रोपोगेटेड दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू द अर्थ, ठीक है, चार्ल्स न्यूटन ने, आइसेक न्यूटन ने, वराहमिहिर ने या आपके ब्रह्मगुप्त ने। तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है तो आंसर लगेगा ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर आप कह सकते हैं उनको, और उन्होंने 7th सेंचुरी में ये बात कह दी थी, ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वर्षा की बूंदें हैं जो वो गोलाकार क्यों हो जाती हैं, क्योंकि गोलाकार आकार में अधिकतम पृष्ठ तनाव होता है, न्यूनतम पृष्ठ तनाव होता है, या वायुमंडलीय दबाव का एक कारण है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ऐसा होता है, या फिर एक प्राकृतिक घटना है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा गोलाकार आकार में न्यूनतम पृष्ठ तनाव होता है। बेसिकली क्या, रेन ड्रॉप की जो शेप है वो सरफेस टेंशन की वजह से क्या होती है, कंस्ट्रेंड हो जाती है, जिसकी वजह से वो ट्राई करते हैं कि जो ड्रॉप का एरिया है वो, मतलब जितना वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में मिनिमम रहे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखें, पौधों की जड़ों से पत्तियों तक पानी के बढ़ने की के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, ठीक है, प्रस्वेदन मतलब ट्रांसपिरेशन, संसंजक बल यानी कोहर्शन, या केशिकत्व कैपिलैरिटी। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही हैं जो ये इसके लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, निर्वात में मतलब वैक्यूम में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी होती है, 3×10⁻¹ मीटर पर सेकेंड, और कांच में होती है 2×10⁻¹ मीटर पर सेकेंड, ठीक, दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखें, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब प्रकाश की किरण पतले माध्यम से सघन माध्यम की ओर यात्रा करती है, उल्टा लिख गया है ना, डेंसर से आपके थिनर की ओर जाएगी, ना कि थिनर से डेंसर की ओर, ठीक। दूसरा देखिए, जब आपतन कोण जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल से छोटा होता है, छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, ऑप्टिकल फाइबर निम्नलिखित में से किस सामग्री से बने होते हैं, कांच के होते हैं, सिलिका के होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, ठीक, तीनों ही सामग्री से बनते हैं, तो डी आंसर होते हैं ऑप्टिकल फाइबर, क्या मतलब, ये भी TIR वाला जो फेनोमेना है उस पर काम करते हैं, ठीक है, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, निक्षेप शून्य मतलब एब्सोल्यूट जीरो है जो, वो न्यूनतम संभव तापमान है, वो आपका लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है, न्यूनतम जीरो, बिल्कुल सही, और इस तापमान पर किसी पदार्थ के परमाणु पूरी तरह से शांत स्थिति पर होते हैं, इस टेम्परेचर पर जो एटम है किसी सब्सटेंस के वो कम्प्लीटली रेस्ट पर होते हैं, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट है जो वो सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपको याद रखना है जीरो डिग्री होता है कितने, केल्विन स्केल पर, केल्विन स्केल डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं क्योंकि, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परत है जो कि एटमॉस्फेरिक लेयर्स की बात हो रही है यहाँ पर, जो कि पृथ्वी पर दूर के स्थान पर रेडियो प्रसार को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, जो कि आपके रेडियो प्रोपोगेशन होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करती है, कौन सी है वो परत, आपकी ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर या आयनोस्फियर, तो आंसर है इसका डी, आयनोस्फियर। अगला देखिए, ध्वनि तरंगें किस माध्यम में सबसे तेज, ठीक, सबसे तेज किस में होती है, तो बेसिकली ये होता है सॉलिड में सबसे तेज, फिर लिक्विड, फिर उसके बाद गैस, ठीक, तो आंसर हो जाएगा ठोस, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बिजली खपत का बिल किलोवाट आवर की माप पर आधारित होता है, बिल्कुल सही, और किलोवाट आवर है जो वो एक इकाई है, किसकी इकाई है, ऊर्जा की एक इकाई है, ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखें, हैलोजन लैंप जो होती है उसमें पीली रोशनी उत्पन्न करने का क्या कारण है, ठीक है, देखिए जितने भी आपको ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिले उनको जरूर याद रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चंस मोस्टली जो एग्जाम में आएंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड ही आएंगे, ठीक है, देखिए टंगस्टन, सोडियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम, तो ये पीली रोशनी का कारण क्या है, सोडियम, ठीक, आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, ठीक है। और फिलामेंट में पूछ लेते हैं, बेसिकली फिलामेंट में जो हैलोजन लैंप होता है वो किसका एलॉय है, उस वो टंगस्टन और सोडियम का एलॉय है, ठीक है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर में अर्धचालक मतलब सेमी कंडक्टर ग्रुप में यूज किया जाता है, आर्सेनिक, सिलिकन या जर्मेनियम, तो आंसर हो जाएगा सिलिकन और जर्मेनियम, 2 और 3, बी आंसर। अगला देखें, भारत में परमाणु ईंधन
थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहां पर है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा या केरल में? तो आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश में। कितना है? 31%। ठीक है, ए आंसर। निम्न में से कौन से सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है? कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी तो वो है जो उसमें इनबिल्ट होती है, ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण आपको बताने तो आप बता दीजिए। देखिए, हार्ड डिस्क भी बाहर होती है, ठीक, उसके बाद पेन ड्राइव और डीवीडी, तीनों ही आपके सेकेंडरी मेमोरी के हैं जिसमें स्टोरेज की कैपेसिटी होती है तीनों में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला देखें, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान किस स्थान पर स्थित है? आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक है, IIRS, ठीक है। ये कहाँ पर है? देहरादून में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में या बेंगलुरु में? तो आंसर हो जाएगा आपका देहरादून में, ठीक है। अहमदाबाद में कौन सा है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, SAC, ठीक है। हैदराबाद में आपका NRSA और बेंगलुरु में एक ISRO की एक यूनिट है, ISRO, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस मिसाइल की मारक क्षमता है जो वो सबसे कम है? वज्र की, नाग की, अर्जुन की या आकाश की? तो नाग की सबसे कम है, कितनी है? 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक, ठीक है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही समय लेता है? टाइपराइटर शोल्स ने खोजा, टेलीविजन जेएल बेयर्ड ने, और फाउंटेन पेन है जो वो किसने? लुइस एडवर्ड वाटरमैन ने, ठीक है। तो तीनों ही सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखिए, टॉर्च में जो जनरली क्या यूज किया जाता है? ड्राई सेल का यूज होता है, ठीक है, तो सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखते हैं, शुष्क शेल जो आपका ड्राई सेल है उसमें एनोड है जो वो जिंक का बना होता है और जो कैथोड है वो कार्बन का बना होता है, ठीक है। एनोड आपका जिंक का, कार्बन आपका कैथोड आपका कार्बन का, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखें, न्यूट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, मतलब न्यूट्रल पार्टिकल है जिसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, ठीक है, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, ठीक है। और इसकी खोज जे.जे. थॉमसन ने 1932 में की थी। ये वाला गलत हो गया क्योंकि इसकी खोज जेम्स चैडविक, ठीक है, चैडविक ने की थी 1932 में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ओनली वन, ए आंसर। अगला देखें, एक कथन है कि सब्जी का मृदु होना एक रासायनिक परिवर्तन है, सॉफ्टनिंग ऑफ वेजिटेबल, जो सॉफ्ट हो जाती हैं वो क्या है? एक केमिकल चेंज है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और उसका कारण बता रहे हैं कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसी चीज़ों में इसमें परिवर्तन आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें सब्जियों में होती हैं और जिनको वापस बदला नहीं जा सकता, ठीक। तो ये बात सही है, ठीक है। तो क्या ये इसका जो कथन है उसका सही कारण है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो यानी कि ए आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पृथ्वी की सतह पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो क्या है? सिलिकन। गलत हो गया क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर उसके बाद सिलिकन, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं, कंप्यूटर में सिलिकॉन चिप्स का उपयोग सेमीकंडक्टर के रूप में यूज किया जाता है इनको, बिल्कुल सही है, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, धातुओं को उनकी प्रतिक्रियाशीलता मतलब उनकी जो रिएक्टिविटी है उसके अनुसार आपको लगाना है। तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव होता है, आपको पता है, और गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव होता है, ठीक है, अगर पूछ ले। और अगर लाइन से लगवाएं तो ये सही क्रम से लगे हुए हैं, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम और कैल्शियम, ठीक है। तो सही प्रतिक्रिया रिएक्टिविटी से लगे हुए हैं, और ये भी याद रखिएगा कि गोल्ड है जो वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, ठीक। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जर्मन सिल्वर के बारे में सही है? इसमें 50% कॉपर, 35% जिंक और 15% निकल होता है। 50% कॉपर, 35% सिल्वर और 15% जिंक होता है, या 50% आपका सिल्वर और 35% एल्युमिनियम और 15% निकल होता है, या 50% आपका सिल्वर और 35% कॉपर और 15% जिंक होता है। तो आंसर हो जाएगा 50% कॉपर, 35% जिंक और 15% निकल, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वाली संरचना कॉम्पोजिशन होगा इसका, ठीक। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, हीरा कार्बन का ही एक अतिरिक्त रूप है, मतलब कि एक एडिशनल फॉर्म ऑफ कार्बन है हीरा, सही है। और इसका जो आपका रिएक्टिव डेंसिटी होती है वो कितनी है? 3.5, ठीक है। और ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, ठीक है, तो ग्रेफाइट भी इसी का एक अवरूप है।
तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1, 2 और 3, तीनों सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देखिए, अलवणीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, मतलब डीसैलिनाइजेशन एक प्रोसेस है, जिसमें कि खारे पानी से आपके खनिजों को निकाला जाता है, ठीक सही है। और ये जो पीने के पानी और जो उद्योग है, उद्योग के लिए पीने योग्य पानी के उत्पादन का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है, क्या है, डीसैलिनाइजेशन, ठीक है। अलग से भी पूछ सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, दोनों सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। डीसैलिनाइजेशन का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका आरओ है, जिसको हम सब अपने घरों में यूज करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक है जो, ठीक है। और इस टेक्निक में क्या होता है कि पीने के पानी में बड़े कणों को हटाने के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज होता है, ठीक है। उसमें जो फिल्टर लगे होते हैं वो क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो कि छान देते हैं पानी को, ठीक है। तो ये दोनों ही सही स्टेटमेंट है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से गुण हैं जो वो नोबल गैसेस के जो है वो फीचर्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ये ऑडरलेस होती हैं, गंध नहीं होती, ये कलरलेस होती हैं, बेरंग होती हैं, और इनमें जो आपकी केमिकल रिएक्टिविटी है वो बहुत कम होती है, ठीक। तो तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखें, ट्यूबलाइट में कम तापमान पर कौन सी गैस भरी जाती है, ऑर्गन, क्रिप्टन या फिर आपकी नियोन। तो आंसर हो जाएगा इसका आपका, ये तीनों ही गैसेस हैं जो इसमें भरी जाती हैं, ठीक। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला देखिए, नीला थोथा किस यौगिक का बना है। देखिए इंग्लिश में भी नीला थोथा ही लिखा हुआ है, ठीक है। कई बार आयोग ने नीला थोथा वर्ड ही यूज किया अपने क्वेश्चन में, ठीक है, ब्लू विट्रियोल की जगह पर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तांबा है, कार्बोनेट है, सल्फेट है, तो इसको क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट, तो यानी कि 1 और 3, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका परमाणु भार सबसे अधिक है। मीथेन का CH4, इथेन का ये क्या है C2H6, प्रोपेन का C3H8 और ब्यूटेन का C4H10, ठीक। तो किसका हो गया सबसे ज्यादा, ब्यूटेन का, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मादक पेय में अल्कोहल की मात्रा सबसे कम होती है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी अल्कोहलिक ड्रिंक है जिसमें अल्कोहल की मात्रा सबसे कम होती है, बियर है, रम है, शैंपेन है या साइडर है। तो आंसर हो जाएगा साइडर। कितनी होती है इसमें, 2 से 6%, ठीक है। बाकी बियर में आपकी होती है 3 से 6%, उसके बाद रम में होती है 45 से 55% तक अल्कोहल, ठीक है, और शैंपेन में होती है 10 से 15% अल्कोहल, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल लेते हैं। देखिए आपका जो सोर मिल्क है उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, नींबू में एस्कॉर्बिक एसिड, सिरका में एसिटिक एसिड, ठीक, तीनों ही सही है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेट्रोल की गुणवत्ता, पेट्रोल लिखा है यहाँ पर, ठीक है, पेट्रोल की गुणवत्ता के लिए आपका ऑक्टेन नंबर, C10 नंबर, उपयुक्त तो दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ऑक्टेन नंबर, अगर डीजल होता तो C10 नंबर, ठीक है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन CNG का सामान्य संरचना है, CNG की, मीथेन, एथेन और प्रोपेन। तो CNG में क्या होता है आपका, मीथेन और एथेन, ठीक, प्रोपेन नहीं होता। आंसर 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड है जो वो घातक जहरीली गैस है, बिल्कुल सही, और यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ एक अपरिवर्तनीय परिसर, मतलब कि एक इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेती है हीमोग्लोबिन के साथ, जो कि ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। तो सही है दोनों, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पोषक तत्व, मतलब प्लांट न्यूट्रिएंट है, जो एक रोग प्रतिरोधक है, मतलब प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो डिजीज रेजिस्टेंस कौन सा है, बोरोन है, पोटेशियम है, आपका फास्फोरस है या नाइट्रोजन है। तो आंसर हो जाएगा इसका बोरोन है, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। सांपों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी, मतलब सर्प विज्ञान, और सीरम का अध्ययन सीरोलॉजी, आपका पहाड़ों का अध्ययन आपका ओरोलॉजी, ठीक है, ओरोलॉजी मतलब माउंटेन, स्टडी ऑफ माउंटेन्स, ठीक। तो तीनों सही है, डी आंसर। अगला देखें, नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी है जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, छोटे जानवरों से, प्रकाश संश्लेषण से, छोटे जलीय जंतु से, या ये सभी में से कर लेते हैं। तो आंसर है इसका प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस से, बी आंसर।
अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ठीक है, देखिए डॉल्फिन है जो वो आपकी टूथड वेल के परिवार की है, ठीक है, दांतेदार वेल, सही है। और भारत में गैंगेटिक डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जंतु है जो वो घोषित किया है, ठीक, सही है, एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया है, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से संशोधित तने हैं, मतलब मॉडिफाइड स्टेम्स कौन सी है? गन्ना, आलू और अदरक, तीनों ही आपके मॉडिफाइड स्टेम्स हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, चार्ल्स डार्विन को आधुनिक अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जॉन मेंडल को जाना जाता है, ठीक है, जॉन मेंडल, ठीक। और इन्होंने, मेंडल ने आपका वंशानुक्रम का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, ये वाला पार्ट सही है, ठीक है। बेसिकली जॉन मेंडल ने तीन सिद्धांत दिए हैं, ठीक है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि तीन के जिनमें से एक का नाम आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल गया, बाकी दो और बताने हैं आपको, ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला देखिए, स्तन की हड्डी यानी कि ब्रेस्ट बोन है जो, उसको क्या कहते हैं? स्कैपुला कहते हैं, तो स्कैपुला है जो वो शोल्डर ब्लेड को कहते हैं, शोल्डर ब्लेड, ठीक। और पटेला है जो, ये आपका नी कैप हो जाएगा ना, घुटने वाला। और क्लेविकल है जो, ये आपका कॉलर बोन को कहेंगे, कॉलर बोन, ठीक है। और बचा जो स्टेनम है, वो आपका जो है ब्रेस्ट बोन होता है, तो डी आंसर। अगला देखें, शुक्राणु कितने घंटे जीवित रहता है? 24 घंटे, 48 घंटे, 78 घंटे या 96 घंटे? तो बेसिकली जो स्पर्म है उसकी लाइफ होती है 72 आवर्स। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस में प्लाज्मा होता है? एल्बुमिन, फिब्रिनोजिन या फिर ग्लोबुलिन? तो आपका जो तीनों ही हैं जो, उसमें आपका प्लाज्मा पाया जाता है, और एल्बुमिन है जो वो प्रोटीन है, प्रोटीन भी लिखा हो तो समझ जाइए एल्बुमिन, ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से एक एंजाइम है? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या आपके प्रोजेस्टेरोन? ये तीनों ही आपके हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स, ठीक, और जो लाइपेज है ये आपका एंजाइम है, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? टाइफाइड है जो वो आपके इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, बिल्कुल सही। और जो आपका एस्टिगमेटिज्म है वो एक आंखों की डिसीज है ना। और जो पीलिया है वो है क्या है, वो लीवर को प्रभावित करता है, ठीक है, जॉइंटिस है जो वो लीवर को अफेक्ट करता है, तीनों ही सही है, डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।